बिहार में पुलिस की गिरफ्त से अपराधियों के भागने की घटना लगातार सामने आती रहती है, उसके बावजूद भी पुलिस वाले संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस की लापरवाही की एक तस्वीर भागलपुर शहर के कचहरी चौक के निकट स्थित एक होटल में देखने को मिली, जहां पीरपैंती से गिरफ्तार आरोपी आनंद कुमार साह को थाने के चौकीदार के द्वारा कोर्ट में पेशी के पहले होटल में बैठा कर मछली भात खिलाया जा रहा है। आरोपी को भाई से मारपीट के आरोप में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और जेल भेजने से पहले कोर्ट में पेशी से पहले पीरपैंती थाना के चौकीदार रंजीत पासवान के द्वारा कानून को ताक पर रखकर होटल में बैठाकर आरोपी को खाना खिलाया जा रहा है। कानून के अनुसार पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी को होटल में बैठकर खिलाने का निर्देश नहीं है, इसके बावजूद पुलिस वाले इसे होटल में बैठाकर खाना खिला रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर खाने में कोई जहर मिला दे और आरोपी की मौत हो जाए तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? कैदी को चाहे तो थाने के हाजत या फिर जेल में खाना देने का प्रावधान है, इसके बावजूद नियम को ताक पर रखकर अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। अब देखने वाली बात है कि वरीय पुलिस पदाधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। क्या हुआ, कौन मामला में? मिनी मार्केट